दोस्तों, मशहूर शायर हसीब सोज जी का एक शेर है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया पे इस समय सनसनीखेज खबरों और झूठ का अंबार है। हालात ये है कि बहुत सारे लोग डर चुके हैं कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से। दहशत कुछ इस कदर है कि कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है, ये सुनते ही कि शायद वो कोविड-19 के शक के दायरे में है या फिर उनके रिपोर्ट पॉजिटिव आई इसलिए। तो क्या वाकई हम सबको कोविड-19 से इतना डरने की जरूरत है या ये इस बीमारी से ठीक हुआ जा सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर सिंह। डॉक्टर सिंह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत है द डायलॉग में। धन्यवाद धन्यवाद कंचन जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि KGMU में अभी तक कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, उसमें से कितने परसेंट ठीक होके जा चुके? देखिए, बहुत ही अच्छा पहला ही सवाल आपने किया है। अभी तक हमारे यहाँ पर 10 रोगी अभी तक एडमिट हो चुके हैं, सॉरी 16 रोगी एडमिट हो चुके हैं, जिसमें से 10 बिल्कुल सही हो चुके। तो आप अगर अभी रेशो लगाएं कि 16 में से 10 बिल्कुल सही हो चुके हैं और जो अभी शेष 5 रोगी भी हैं जो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि छठे रोगी जो हैं वो, उनको दुर्भाग्यवश कुछ और भी बीमारियां थी जिसकी वजह से वो, उनकी जान को नहीं बचाया जा सका, किंतु 16 में से अभी तक 10 रोगी यहाँ पर उपचार करा करके ठीक होकर के जा चुके हैं और जो शेष 5 हैं उनकी भी स्थिति बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर सिंह, ये सबसे पहले बताएं कि अगर किसी को शक है कि उसको लक्षण है कोरोना के, कोविड-19 के, तो अगर वो जल्दी से जल्दी अप्रोच करता है टेस्ट के लिए, इलाज के लिए, तो ठीक होने की संभावना कितनी रहती? देखिए, पहले तो मैं आपको वाकई ही इसकी बिल्कुल सही चीज इसके बारे में बताना चाहूंगा कि एकमात्र जो है, आप इसके बारे में क्या चीज पता कर सकते हैं, वो है केवल और केवल आपकी जांच। जांच की सुविधा इतनी आसान कर दी गई है कि यदि आप किसी भी जिले के रहने वाले हैं और अपने संदर्भित CMO से बात कर लेते हैं तो CMO की टीम आपका वहीं पर सैंपल ले रही है और इसमें कोई खास इलाज या कोई इस प्रकार का ऑपरेशन या इस प्रकार की कोई ऐसी दवाइयां इसमें नहीं दी जा रही हैं जिससे आपकी सेहत को कोई अलग दुष्प्रभाव पड़े। तो आपके शरीर की एक इम्यूनिटी ही आपके स्वतः इलाज कर देती है, जिसमें अमूमन 15 से 16 दिन लगते हैं। यह आपको थोड़ा सा परिवार से या समाज से इसलिए अलग किया जाता है जिससे कि आप इस संक्रमण को किसी दूसरे को ना पहुंचाएं। यहाँ पर भी जिस भी अस्पताल में आपका एडमिशन होता है, एक तो सबसे अच्छी ये होता है कि आप जब अस्पताल में एडमिट होते हैं या किसी आइसोलेशन वार्ड में होते हैं एडमिट, तो वहां पर आप अपनी साफ सफाई का अपने आप से काफी अच्छा ध्यान रखते हैं। दूसरा, इस समय जितनी भी स्वास्थ्य मशीनरी है वो सभी कोविड-19 के ही उपचार में लग रही है। आप सभी से अपील है, आप देख भी रहे होंगे कि मात्र और मात्र अगर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर इस समय चल रहा है तो हम सभी कोविड-19 के पेशेंट की केयर कर रहे हैं। अतः आपको इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका इस समय स्वास्थ्य लाभ हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है। डॉक्टर साहब, कई जगह देखा गया कि जब मेडिकल टीम जा रही है एरिया में लोगों को क्वारंटाइन के लिए लेने के लिए या टेस्ट के लिए, तो उन पर अटैक भी हुआ है। तो ये बेसिकली एक दहशत की वजह से है कि हमको जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जा रहा है। क्या आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो संदेह के दायरे में है कि उन्हें कोविड-19 हो सकता है? देखिए, आप सबसे पहले बता दें, डर एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और जब आपके मन में किसी भी तरीके के संदेह होते हैं, किसी भी कोई भी पूर्वाग्रह होते हैं, तो आप अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जो भी वहां पर है, आप अपने मन में बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस रखिए, कोई भी व्यक्ति आपका बुरा करने नहीं जा रहा है। हमारे पास में मीडिया के रूप में एक इतना सशक्त तंत्र है जो हर चीज पर, अधिकतर चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो और चाहे हमारे लेजिस्लेशन हो, उन पे एक बहुत ही मजबूत निगाह रखता है। आपके आसपास की लोकलिटी के जो अन्य लोग हैं उन पे भरोसा कीजिए, आपका स्वयं का प्रशासन स्वयं की सरकार है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा, किसी भी चीज के लिए एक तो सबसे मजबूत चीज होती है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए। कॉन्फिडेंस आपको कई तरीकों पे लेके आना पड़ेगा। एक तो किसी भी प्रकार के, जो सबसे पहले आपने बात चलाई थी, कई तरीके की भ्रामक न्यूज हैं, उन भ्रामक न्यूज से हम सभी के सभी डर गए हैं।
लगातार हम जो मौत के आंकड़े देख रहे हैं इंटरनेट पर, उससे हम बिल्कुल बहुत ज्यादा डर रहे हैं। हम लोगों को ये डर सता रहा है कि एक ऐसी बीमारी आ गई है जिससे हमारा आज तक के बिल्कुल कोई सरोकार नहीं रहा, जिससे हमारा कोई पाला नहीं रहा, और किसी को भी इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। परंतु मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए सिर्फ एक ही अनुग्रह करूंगा, जो इंटरनेट आप देख रहे हैं उसी इंटरनेट पर कृपया करके आप ये देख लीजिए कि कितने मरीज हैं और उन मरीजों में से कितने सही होकर जा रहे हैं और कितने काल के ग्रास में जा रहे हैं। तो आप स्वयं पा लेंगे कि अगर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्री और अमेरिका के कंट्री को अगर आप छोड़ दें, तो पूरे के पूरे एशिया में हम थोड़ा सुखद स्थिति में हैं। यहाँ पर मोर्टिलिटी रेट वाकई कम है। अगर केवल केवल आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर देंगे, अपने अंदर के इस भय को हटा करके और इस संक्रमण को रोकने में मदद कर देंगे, सही समय पर यदि आप जांच करा लेंगे और जांच कराने के बाद अपने संक्रमण की कड़ी को वहीं के वहीं खत्म कर देंगे, उसको किसी और दूसरे मरीज में नहीं फैलने देंगे, तो हम यहीं पर विजय प्राप्त कर ले जाएंगे। डॉक्टर सिंह, एक बात ये भी बताइए कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आपके यहाँ पेशेंट आया या पॉजिटिव घोषित हुआ, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इस वक्त? कैसे ठीक कर रहे हैं आप लोगों को? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जाता है, वह रखा जाता है कि मरीज को कोई अन्य सिम्टम्स ना, जो भी सिम्टम्स हो उनके आधार पर उसको दवाइयां दी जाए। बुखार है तो उसको बुखार की दवा दे दी जाए। यदि वह, हम लोग जो मुख्यतः रूप से यहाँ पर अभी केवल दो ही दवा ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से चला रहे हैं, एक एजिथ्रोमाइसिन और एक क्लोरोक्विन। दोनों ही दवा बहुत कॉमन दवाइयां हैं जो हम लोग पहले से यूज करते हुए आए हैं। इसके अतिरिक्त अभी केवल आपके खान पान का, साफ सफाई का और आपके जितनी भी वाइटल्स मॉनिटरिंग है उनका ध्यान रखा जा रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार से कोई अन्य दवाओं की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर सिंह, एक 2 साल का बच्चा एडमिट हुआ था KGMU में कुछ 10 दिन पहले, और हमने ये सुना कि वो 4 या 5 दिन में ठीक होके जा सका। तो उस केस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे वो 4-5 दिन में क्योर हुआ, और उतने छोटे बच्चे को आइसोलेशन में कैसे हैंडल किया आप लोगों ने? देखिए कंचन जी, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। सबसे मजेदार बात तो ये रही, उस बच्चे में किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो उनकी मदर को सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ था, और मोस्ट प्रोबेबली वो है इन्फेक्शन उनकी मदर से उनके कांटेक्ट में आए हुए बच्चे को हो गया। जो जितने भी यंग लोग हैं, भारत में भी एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन में यह अमूमन तौर पर देखा जा रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और इम्यूनिटी स्ट्रोंग होने की वजह से वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। आपने इतने अच्छे केस के बारे में पूछा। इस बच्चे को ठीक होने में मुश्किल से 4 दिन का वक्त लगा, जिसमें इसकी दोनों की दोनों जांचें निगेटिव आ गई। जब बच्चा आया था तो उसकी जांच पॉजिटिव थी। जैसे जैसे ये बच्चा रहा, इसमें कुछ भी नहीं किया गया विशेष रूप से, बस बच्चे का यह ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा अन्य आइसोलेशन वार्ड में ना जा पाए। उसको रोकने के लिए थोड़ी सी मदर को अपनी एक मशक्कत करनी पड़ती है, या कोई भी अटेंडेंट को करनी पड़ती है, और कृपा ईश्वरीय कृपा है। और साथ ही साथ जब हमने देखा, 4 दिन के अंदर ही बच्चे की दोनों की दोनों जांचें निगेटिव आ गई और उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब तक का जो सबसे चैलेंजिंग केस है 16 केसों में से, उसके बारे में जरूर बताएं। चैलेंजिंग केस तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो यही होता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोमोर्बिड कंडीशन है। कोमोर्बिड हम उसको कहते हैं जब उसको जो बीमारी आई हुई है, इसके अतिरिक्त उसके किसी भी शरीर के दूसरे हिस्सों में कोई बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हाइपरटेंशन। हम लोग अभी तक सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमारे यहाँ अधिकतर यंग एज के पेशेंट आए हैं। एक जो पेशेंट हमारे यहाँ पर आए थे जो लखीमपुर के निवासी थे, उनको ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने उनका रक्तचाप भी और उनकी मधुमेह, ये दोनों की दोनों चीजें दवाओं के माध्यम से कंट्रोल रखी, और कंट्रोल रखने के बाद में जो भी उनका एंटीबायोटिक से और क्लोरोक्विन से मैनेजमेंट किया गया, उसमें वो काफी अच्छा रेस्पॉन्ड किए और वह भी यहाँ से डिस्चार्ज हो गए। अभी फिलहाल हमारे पास में इस प्रकार से जो भी ये एकमात्र चैलेंजिंग केस आया था, जिसमें हमें थोड़ा सा उनकी कोमोर्बिड कंडीशन को ठीक करने में समय लगा, अच्छी स्थिति यही है कि हमारे यहाँ कोई भी रोगी वेंटिलेटर पर अभी तक नहीं आया। डॉक्टर सिंह, एकदम शुरुआत में जब पहला केस आया था, उसके कुछ दिन बाद ही हमने सुना था कि एक रेजिडेंट डॉक्टर जो उस पेशेंट को हैंडल कर रहे थे, वो बीमार हो गए। तो अब वो डॉक्टर कैसे हैं
और आगे किसी और डॉक्टर को ये संक्रमण ना हो उसके लिए केजीएमयू ने क्या प्रबंध किया? देखिए, हमने उस समय भी मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया था, क्योंकि वह बिल्कुल प्राथमिक दौर था और उस प्राथमिक दौर में हमारे जो रेजिडेंट साहब थे वो उस तरीके से बिल्कुल तैयार नहीं थे। सबसे पहले अचानक से वो महिला के संपर्क में आ गए। उस समय उन्होंने प्रॉपर उस समय, क्योंकि हमने जैसे आपको दोबारा बताया कि ये प्राथमिक दौर चल रहा था और उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन उस समय नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको वह संक्रमण हो गया। उसके बाद पूरा का पूरा केजीएमयू प्रशासन हाई अलर्ट पे है। सभी जो भी लोग इस प्रकार के रोगियों का, चाहे वो परीक्षण कर रहे हो चाहे वो उपचार कर रहे हो, उनको पर्याप्त पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे दिए गए हैं। हमारे यहाँ जितनी भी डोनिंग और डॉफिंग की वीडियो एक एक कर्मचारियों को दिखा दी गई है, किस प्रकार से इस प्रकार के मरीजों में आपको नमूना लेना है और उनको यदि कोई भी उनकी किसी भी प्रकार से अन्य सैंपल लेना है या उनको दवाइयां देनी है, उनको भोजन देना है, किस प्रकार से आपको उनके साथ में रहना है, यह सब की सब चीजें एक कर्मचारी, नर्स, वार्ड बॉय से लेकर के सभी चिकित्सकों को इसके बारे में प्रशिक्षित कर दिया गया है। उस समय जब डॉक्टर तौसीफ इसके मरीज के संपर्क में आए थे तो उन्होंने ये संक्रमण ले लिया, क्योंकि उस समय उनके पास में उस तरीके की पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि ये एक प्राथमिक दौर था। जब लेकिन डॉक्टर तौसीफ उसके बाद में बिल्कुल अच्छे रहे, उन्होंने उनको भी हम लोगों ने जब पॉजिटिव आए तो आइसोलेशन वार्ड में रख लिया था, और आइसोलेशन वार्ड में रहने के बाद में उन पर भी, क्योंकि उनकी भी एज यंग है, कोई कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई खास उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस केवल वो आइसोलेशन में रहे। आइसोलेशन में रहने के साथ साथ जब उनकी भी 2 बार जांच निगेटिव आ गई तो उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर सिंह, एक पीपीई की क्वालिटी को लेके सवाल उठा है। अभी 4 दिन पहले मेडिकल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजेस को लिखा कि स्टेट सप्लाई कॉरपोरेशन ने जो पीपीई सप्लाई की है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसके बारे में हमें जरा बताएं कि अब क्या इसके लिए उपाय किए गए हैं, क्या उनको वापस कर दिया गया है और नए किट मंगा लिए गए हैं? देखिए, हमारे पास जितनी भी पीपी आ रही हैं वो सबकी सब आईएसओ सर्टिफाइड हैं और इस पे दिशा निर्देश कर दिए गए हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार से सही ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी सर्टिफाइड किट्स हैं उनका यूज किया जा सकता है। अभी हम लोग इस मामले में भी लकी रहे हैं कि हमारे पास में किस किस प्रकार का कोई एनकाउंटर, कोई इस प्रकार की अभी असुविधा नहीं हुई हो कि हमें कोई सब स्टैंडर्ड किट्स प्राप्त हो गई। डॉक्टर सिंह, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।